नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर बरगी क्षेत्र में स्थित एक ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखे लाखों रुपए के ट्रांसफार्मर जहां पूरी तरह से जलकर खाक हो गए, तो वहीं कुछ ट्रांसफार्मर ब्लास्ट भी हुए हैं, जिसके चलते बरगी इलाका पूरी तरह से दहल गया। जानकारी के मुताबिक यह फैक्ट्री अग्रवाल नाम के व्यक्ति की बताई जा रही है। कुछ साल पहले उन्होंने बरगी में अपनी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री को स्थापित किया था। इस फैक्ट्री से ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। फैक्ट्री में मौजूद गार्ड ने मालिक को सूचना दी कि अचानक ही भीषण आग फैक्ट्री में लग गई है। जानकारी मिलते ही अग्रवाल मौके पर पहुंचे और जहां पर उन्होंने देखा कि फैक्ट्री जल रही है। घटना की जानकारी मिलते ही बरगी सीएसपी सुनील नेवा सहित बरगी थाने का स्टाफ भी मौके पर पहुंच गया। इसके अलावा दमकल वाहन भी बुलाए गए। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आधा दर्जन से अधिक दमकल वाहनों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते फैक्ट्री में आग लगी थी। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।